नमस्कार दोस्तों, आप सीखे चैनल में आपका स्वागत। आज मैं ये खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ जिसे आप या तो बॉर्डर की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पूरे स्वेटर में डालिए। ये बहुत ही अच्छा है, किसी भी लेडीज जैकेट में ऐसे आप डालिए और फंदे डालने के बाद सीधे इस डिज़ाइन को डालिए, ये बहुत ही अच्छा है। इसे बनाने के लिए हमें 3 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 2 फंदा एक्स्ट्रा, ऐसे 3 हम फंदे गिने तो लास्ट में 2 फंदा आना चाहिए तो डिज़ाइन अच्छी तरह सज जाएगा। डिज़ाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डिज़ाइन और वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन, तो ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और सामने से पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे अगला फंदा सीधा, उन दूसरी ओर। अब देखिए 2 फंदे हैं तो हम इस फंदे को पहले नहीं बुनेंगे, पहले हम दूसरे वाले फंदे को बुनेंगे। वैसे सामने की तरफ से सिलाई ले जाइए और दूसरे वाले फंदे को पहले बुनेंगे और फिर पहले वाले फंदे। अब उन अपनी ओर करेंगे अगला फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर। देखिए 2 फंदे हैं तो पहले हमें पहले वाले फंदे को नहीं बुनना है, इसे छोड़ के हम पहले दूसरे वाले फंदे को सीधा बुनेंगे। ऐसे फ्रंट की तरफ से ऐसे सामने से सिलाई ले जाइए और इस दूसरे वाले फंदे को पहले सीधा बुनना, फिर पहले वाले फंदे को सीधा इसे गिरा देंगे उन अपनी ओर, अगला फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर। देखिए 2 फंदे हैं तो हमें पहले वाले फंदे को नहीं बुनना है, पहले हम दूसरे वाले फंदे को बुनेंगे। ऐसे सामने की तरफ से सिलाई ले जाइए, दूसरे वाले फंदे को पहले बुन लें और उसके बाद पहले वाले फंदे को रख लियो, पहला फंदा। ये फंदे का ये डिज़ाइन है, एक फंदा हमने उल्टा बुन लिया और फिर 2 सीधे फंदे में से पहले दूसरे वाले को हमें सामने की तरफ से सीधा बुनना है, फिर पहले वाले फंदे को सीधा। इन्हीं 3 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है, बुन अपनी ओर, पहला फंदा उल्टा बुन लेना है। फिर देखिए 2 सीधे फंदे हैं तो पहले दूसरे वाले फंदे को सामने की तरफ से सिलाई डालेंगे, इसे सीधा बुन लेंगे, फिर पहले वाले फंदे को हम सीधा अपनी ओर, अगला फंदा उल्टा है इसे उल्टा बुन लेंगे उन दूसरी ओर। अब देखिए 2 फंदे हैं तो पहले दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, इसे सीधा बुन लेंगे और फिर पहले वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, इसे भी सीधा बुन लेंगे। अब इन दोनों को ऐसे गिरा देंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे अगला फंदा उल्टा। हम चाहें तो इन दोनों फंदों को ऐसे जगह बदल के भी हम इसे बुन सकते हैं। खुद अपनी ओर देखिए 3 फंदे का डिजाइन है, पहला फंदा हमने उल्टा बुन लिया। अब 2 फंदे हैं तो पहले वाले फंदे को हम इन दोनों फंदों को गिरा लीजिए, पहले वाले फंदे को ऐसे पीछे की तरफ से सिलाई ले जाएंगे और बाएं सिलाई में उठा लेंगे और दूसरे फंदे को ऐसे दाहिने सिलाई में लेंगे और ऊपर की तरफ से ला के वापस बाएं सिलाई में चढ़ा देंगे और फिर इन दोनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे, अगला फंदा उल्टा। दूसरी ओर देखिए 2 फंदे हैं, दोनों फंदों को हम गिराएंगे, पहले वाले फंदे को पीछे की तरफ से बाएं सिलाई पे ले लेंगे और दूसरे फंदे को सामने की तरफ से दाहिने सिलाई में। अब इसको ऐसे खींचेंगे और वापस बाएं सिलाई में चढ़ा देंगे और दोनों फंदों को हम सीधा बुनेंगे,
अपनी ओर अगला फंदा खुलता है। हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में, तो देखिए पहला फंदा सीधा, इसे हमने सामने की तरफ उल्टा बुना था, तो ये है सीधा फंदा, इसे हम सीधा बुन लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे। अब देखिए दो उल्टे फंदे जिन्हें हमने जगह बन लेते हैं, इन दोनों फंदों को हम दूसरी ओर, अगला फंदा सीधा है, इसे हम सीधा बुन लेंगे, उन अपनी ओर, देखिए दो फंदे उल्टे हैं, सामने से हमने इनका जगह बदल के सीधा बुना था, अब इन्हें हम पीछे से उल्टा बुनेंगे। दूसरी ओर अगला फंदा सीधा है, इसे सीधा बुनेंगे, उन अपनी ओर, अब दो फंदे उल्टे हैं, इन्हें हम उल्टा बुनेंगे। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं तीन फंदों को हमें पूरी सिलाई में बुनाना है। तो फंदा हमने उल्टा बुन लिया, अगला फंदा सीधा है, उसे सीधा बुन लेंगे, उन अपनी ओर, अब दो फंदे उल्टे हैं, इन्हें उल्टा बुन लेंगे, यानी उल्टे वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे, जो फंदा सीधा दिखाई दे रहा है उसे सीधा बुनेंगे और जो फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है उसे उल्टा बुनेंगे। तो दो ही लाइन का ये डिज़ाइन है, तीन फंदों का और दो लाइन का ये डिज़ाइन है, और इन्हीं दोनों लाइनों को हमें ऊपर ऊपर दोहराना है, खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, तीन फंदा और दो लाइन का ये डिज़ाइन है, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया है। तो यदि आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।